7 मार्च 1971 ढाका के रेसकोर्स मैदान से शेख मुजीब उर रहमान ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता का आह्वान करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया था। शेख मुजीब को बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। 7 मार्च के दिन लगभग 10 लाख लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे। सबके हाथों में बांस के डंडे थे। शेख मुजीब की इस जनसभा का जायजा पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर ले रहे थे। उस दिन शेख मुजीब के भाषण का एक एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ ललकार थी। साल 2017 में यूनेस्को ने शेख मुजीब के इस भाषण को विश्व के दस्तावेजी विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इस भाषण के बाद पाकिस्तानी सेना ने शेख मुजीब को गिरफ्तार किया और पाकिस्तान ले गए, लेकिन तब तक शेख मुजीब की लगाई चिंगारी आग का रूप ले चुकी थी। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, जिसके बाद भारत ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला किया। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। महज 13 दिन में भारत ने उसे घुटनों पर ला दिया। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना। भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वहीं शेख मुजीब पाकिस्तान से लंदन के रास्ते दिल्ली आए। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। शेख मुजीब ने सेना के कैंटोनमेंट मैदान पर जनसभा में बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में मदद करने के लिए भारत की जनता को धन्यवाद दिया। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब उर रहमान की ढाका में हत्या कर दी गई। 7 मार्च 2009 को दुनिया की सबसे ताकतवर दूरबीन कैप्लर को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। नासा की ये दूरबीन सूर्य की परिक्रमा करती है। इसे मानव जाति के इतिहास की सबसे ताकतवर दूरबीन माना गया। केपलर दूरबीन को पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों की खोज के लिए ही नासा ने लॉन्च किया था। हालांकि 9 वर्ष के ऑपरेशन के बाद इस दूरबीन के रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम का ईंधन कम हो गया था, जिसके बाद नासा ने 30 अक्टूबर 2018 को इसे रिटायर करने का ऐलान किया। इसे केपलर नाम खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर के सम्मान में दिया गया था। केपलर साल 2009 से 2018 तक अंतरिक्ष में सक्रिय रहा और इस दौरान उसने 5 लाख से भी अधिक तारों का अवलोकन किया। इसने करीब 2681 ग्रहों की खोज करने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। 7 मार्च 1952 को परमहंस योगानंद का निधन अमेरिका में हुआ था। वे आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत थे। उनका बचपन का नाम मुकुंदनाथ घोष था। 1910 में 17 वर्ष की उम्र में उनकी मुलाकात स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। परमहंस योगानंद पहले योगी थे जिन्होंने भारतीय योग पद्धति का परिचय यूरोप को कराया। योगानंद बचपन से ही आध्यात्मिक थे। यही कारण रहा कि उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभ्यास हो गया था। 7 मार्च 1952 को जब योगानंद ने अमेरिका में अपनी एक स्पीच के दौरान प्राण त्यागे तो उनके अनुयायियों ने इसको समाधि का नाम दिया। योगानंद द्वारा लिखी गई किताब द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली आध्यात्मिक किताबों में से एक है। अब तक इसकी 5 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और इसे कम से कम 34 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।